नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चंडीगढ़ में पली बड़ी है हरनाज संधू, 21 साल की उम्र में जीत लिया मिस यूनिवर्स का ताज। भारत को 21 साल बाद दिलाया मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू। मूल रूप से पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली है हरनाज, पेशे से मॉडल है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की पढ़ाई कर रही है। नागालैंड फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों ने मुआवजा लेने से किया इनकार, बोले न्याय चाहिए। नागालैंड में सेना की गोलीबारी में मारे गए 14 लोगों के परिवार वालों ने घटना में शामिल सुरक्षा कर्मियों को न्याय के कटघरे में लाने तक कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप सरकार हर साल विज्ञापनों पर टैक्स देने वालों के 600 करोड़ रुपए खर्च करती है। कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता का निजी सुरक्षा अधिकारी 2 AK-47 राइफल के साथ फरार, तलाश जारी। बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल राशिद जरगर का PSO 2 हथियारों के साथ फरार हो गया। साकिब का सहयोगी आरिफ अहमद भी लापता है, जो बोही पारा कुपवाड़ा का रहने वाला। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कहा यहां सिर्फ डमरू वाले की सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के श्रमिकों से मिले पीएम मोदी, उन पर बरसाए फूल, साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने सिर्फ श्रमिकों से मिले बल्कि उनसे बातचीत भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों पर फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,350 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन के 38 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,350 नए केस सामने आए हैं, वहीं 202 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले सामने आ चुके हैं। संजय राउत ने महिलाओं पर किया भद्र टिप्पणी, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने दर्ज कराई FIR। मुकदमा दर्ज करने का आधार यह भी माना गया है कि संजय राउत ने न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं बल्कि कार्यकर्ताओं में शामिल महिलाओं के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठंड में पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल मीडिया यूजर्स बोले राहुल गांधी को भारी चैलेंज दे दिया आपने सर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, साथ ही कलश से भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। अगली खबर हरियाणा से, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया आदेश, जल्द किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस खत्म करने को लेकर हरियाणा सरकार एक्टिव हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कलेक्टर और SP को आदेश जारी किया है। पीएम मोदी बोले औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। रोहिणी कोर्ट धमाके को लेकर बड़ा खुलासा, रिमोट के जरिए किया गया था विस्फोट। ब्लास्ट के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की टीम अब तक 50 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाल चुकी है। CBSE 10वीं अंग्रेजी की परीक्षा से विवादित सवाल हटाया गया, मिलेंगे फुल मार्क्स। CBSE ने 10वीं कक्षा के अंग्रेजी की परीक्षा से विवादित सवाल हटा दिया है, इसके लिए स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठे को किया ढेर। जम्मू के जनसंपर्क अधिकारी संधु ने कहा BSS ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठे को कई बार सीमा पार नहीं करने के लिए आगाह किया, लेकिन घुसपैठ कर रही महिला सीमा पर लगे बाढ़ की तरफ तेजी से दौड़ती रही। पीएम मोदी ने कहा बनारस अपना रस बिखेर रहा है, यहाँ औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ गलियारे को पीएम आज लोगों को समर्पित करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रतिष्ठित मंदिर के गर्भगृह के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा ने मोदी से पूजा कराई। सीएम शिवराज का ऐलान, शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ सम्मान निधि। सीएम शिवराज ने कहा कि एक सरकारी स्कूल का नाम शहीद जितेंद्र कुमार के नाम पर रखा जाएगा और गांव में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। शहीद के सम्मान में भोपाल से लेकर सीहोर तक जगह जगह लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। काशी की संकरी गलियों से गुजरे पीएम मोदी, लोगों ने की फूलों की बारिश, लगे हर हर महादेव के नारे। काशी की जनता ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया और उन पर गुलाब के फूलों की बारिश की, साथ ही मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे लगाए।
पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, बोले छुट्टी के दिन करना चाहिए था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सदन के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं आज भी हम उनका मुद्दा उठाएंगे। संसद हमले की 20वीं बरसी आज, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। साल 2001 में हुए पार्लियामेंट हमले की 20वीं बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि। दिल्ली मेट्रो इन से अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।